हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बॉडी में। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं, एंड दैट इज यूपीएससी वर्सेस एमबीए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी और एमबीए के बारे में, कुछ बेसिक डिफरेंसेस और वो किस बारे में होता है, क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एमबीए यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आर बेसिकली टू डिस्टिंक्ट पाथ दैट लीड्स टू डिफरेंट करियर आउटकम्स। वीडियो में जरूर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यूपीएससी और एमबीए के बारे में, बट उससे पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी विल पोस्ट अ न्यू वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं यूपीएससी और एमबीए को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस एंड करियर आउटकम। यूपीएससी इज द एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस सिविल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट पोजिशंस इन इंडिया। क्लियरिंग एन यूपीएससी एग्जाम कैन लीड टू अ career in various fields like Indian Administrative Services, that is IAS, Indian Police Service, that is IPS, Indian Foreign Service, that is IFS, and other central and state government departments. The primary purpose is public service and government administration. जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर पॉइंट में पढ़ा, यूपीएससी बेसिकली एक सिविल सर्विस के लिए एग्जाम होता है। ये एग्जाम होता है बेसिकली देश की सेवा के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वो एग्जाम होता है जो कि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है इन बिकमिंग पुलिस ऑफिस, दैट इज IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर एंड IAS ऑफिसर एज वेल। बेसिकली पब्लिक सर्विस और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करना ही आपका एम रहता है यहाँ। वहीं MBA की बात की जाएगी तो MBA इज बेसिकली अ ग्रेजुएट लेवल बिजनेस डिग्री दैट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स फॉर करियर इन बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप and leadership. It is a versatile degree that can lead to various roles in the private sector, management positions in corporations, consulting, finance, marketing and much more. वहीं अगर MBA की बात की जाए तो MBA basically एक management degree program है जो कि आपको career opportunities provide कर सकता है in the field of business management, strategy, operation, entrepreneurship, basically जो management level की चीजें होती है ना उनके। Next हम बात करते हैं UPSC और MBA की on the basis of their educational background. UPSC examinations requires a bachelor's degree from a recognized university and there is no specific educational background requirement, making it accessible to candidates from diverse academic disciplines. जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के लिए बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है वो रहता है बेसिक आपकी जो बैचलर्स डिग्री होती है इन एनी फील्ड बट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एंड रिनोन यूनिवर्सिटी एंड दैट यूनिवर्सिटी शुड बी अप्रूव्ड बाय UGC। और इसके अलावा आपकी कोई और एजुकेशनल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इससे जो और स्टूडेंट्स हैं या और लोग हैं फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स वो यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं और सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। एमबीए की बात करें तो मोस्ट एमबीए प्रोग्राम्स प्रेफर कैंडिडेट्स विद अ बैचलर्स डिग्री एंड मे रिक्वायर अ मिनिमम नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ऑल्दो दिस वेरीज बाय प्रोग्राम। While candidates from various backgrounds are accepted, some MBA programs may have prerequisites related to undergraduate coursework in business or related fields. वहीं MBA की बात करेंगे तो इनमें basic bachelor's degree की requirement तो होती है in any field but from a recognized and renowned university. और साथ ही साथ बहुत से MBA program में work experience की भी need होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं कंसिडर किया जाता, बट मोस्ट ऑफ देम ऐसे होते हैं जहाँ आपका वर्क एक्सपीरियंस डेफिनेटली कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं यूपीएससी और एमबीए की ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड नॉलेज। यूपीएससी सक्सेस इन यूपीएससी एग्जाम नेसेसिटेट स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड द एबिलिटी टू सर्व द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट इफेक्टिवली। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के लिए जो जो स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड होती हैं वो होती हैं कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा शार्प होने चाहिए इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। साथ ही साथ आपकी एक अच्छी और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऐसे सब्जेक्ट्स में लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, विच इज देयर GK।
जी हाँ, जनरल नॉलेज में भी आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और आप में एक बेसिक एबिलिटी होनी चाहिए अपने कंट्री को सर्व करने के लिए, पब्लिक को सर्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है MBA, एंड MBA प्रोग्राम एम्फसाइजेस स्किल्स रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेटजी थिंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग and entrepreneurship. It equips graduates with the knowledge and skills needed to excel in the business world. MBA में basically आता है कि जो आपके पास strategies होनी चाहिए, ये जो skills होनी चाहिए वो related to finance, marketing, business, leadership ऐसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं UPSC और MBA की on the basis of their career paths and lifestyle. UPSC, a career in civil services, involves working closely with government agencies, policy makers and local communities. It often requires frequent reallocations, varied work environments and a commitment to public service. जी हाँ दोस्तों, अगर UPSC की बात की जाए तो UPSC में जो करियर आता है या जो लोग काम करते हैं, they work closely with government agencies, policy makers और local communities के बहुत closely रह के उनको काम करना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सी reallocations भी होती हैं, मतलब आपको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज दिल्ली में रह रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी reallocate हो जाएंगे कोई अलग स्टेट में। तो बहुत ज्यादा बहुत सारी frequent reallocations भी होते हैं इन सिविल सर्विसेज, और आपका एक अच्छा माइंडसेट होना चाहिए पब्लिक को सर्व करने के लिए, कंट्री को सर्व करने के लिए। वहीं आता है MBA, एंड MBA कैन लीड टू अ करियर इन कॉर्पोरेट और बिजनेस सेटिंग, व्हिच टिपिकली इन्वॉल्व्स ऑफिस बेस्ड वर्क, इंटरेक्शंस विद कलीग्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट एंड स्पेशलाइजेशन। वहीं MBA के करियर और लाइफस्टाइल की बात की जाएगी तो बेसिकली आता है आपको कॉर्पोरेट और बिजनेस सेटिंग में रह के काम करना होता है, और जनरली इनका जो काम होता है वो ऑफिस से ही होता है। बेसिकली इसमें आता है क्लाइंट डीलिंग और अपने जो कलीग्स वगैरह ऐसे हैं फ्रॉम वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्रीज से जो आ रहे हैं, उनसे कोलैबोरेट करना और काम करना। अब जान लेते हैं UPSC और MBA को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कमिटमेंट। UPSC, preparing for UPSC exam is a time-consuming process that can take several years of dedicated study and preparation before achieving success. The examination itself consists of multiple stages including preliminary exam, main exam and interview. वहीं अगर UPSC की बात करें तो UPSC की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते होंगे UPSC का एग्जाम क्लियर करना कोई छोटी बात नहीं, इसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए और टाइम चाहिए। लोगों की इतने सालों की मेहनत होती है उसके बाद ही UPSC का एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा साल भी लग जाते हैं। और साथ ही साथ अगर इनके एग्जाम की बात करें तो इनका जो एग्जाम है वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब उसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले होता है उनका प्रीलिमिनरी एग्जाम, फिर मेन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, मतलब जो कि उनका एग्जाम का क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। वहीं अब बात करते हैं MBA की, तो MBA प्रोग्राम टिपिकली हैज अ शॉर्टर ड्यूरेशन, यूजुअली 1 to 2 years, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर परसुइंग फुल टाइम, पार्ट टाइम और एग्जीक्यूटिव MBA. The time commitment is generally shorter compared to UPSC preparation. जैसे कि ऊपर हमने जाना preparation for UPSC, अब जान लेते हैं MBA के लिए। MBA की जो preparation time रहता है या basically duration रहती है वो कम ही रहती है, generally होती है 2 years की। लेकिन अगर आप part time कर रहे हैं या फिर online कर रहे हैं तो वो आप पे depend करता है कि आप कितने time में वो complete कर पा रहे हैं। Regular में तो इसका time duration जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 years का ही रहता है, जो कि एक shorter time duration है, जो कि बहुत ज्यादा shorter duration है as compared to the preparation of UPSC exam. अब जानते हैं UPSC और MBA को on the basis of their location and scope. UPSC exams are specific to India only and lead to the positions within Indian civil services. The scope of work primarily involves serving the Indian government and its institutions. UPSC exams are specified to India and lead to positions within the Indian civil services. The scope of work primarily involves serving the Indian government and its institutions. Yeah, dosto, jo UPSC ka exam rehta hai, wo basically specific rehta hai sirf aur sirf India ke liye.
इंडिया में ही इसके एग्जाम होता है और इंडिया के लिए ही आपको काम करना होता है। मतलब ये कोई ग्लोबली या फिर आउट ऑफ इंडिया में इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसमें बेसिकली होता है यूपीएससी का एग्जाम देना है आपको विद इन इंडिया ही, और काम भी जो करना है सिविल सर्विसेज के लिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहकर ही करना है। एमबीए प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड ग्लोबली। जी हाँ दोस्तों, एमबीए की जो डिग्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है। मतलब आप चाहे एमबीए की डिग्री इंडिया से लें या फिर इंटरनेशनली लें, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होगी। मतलब यहाँ की डिग्री बाहर भी वैलिड होगी और बाहर की डिग्री यहाँ भी वैलिड होगी, तो ये पूरा ग्लोबली एक्ट करता है। ग्रेजुएट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन वेरियस कंट्रीज एंड इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर डूइंग एन एमबीए आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, चाहे आप इंडिया में रह के काम करें या फिर आउट ऑफ इंडिया काम करें, बोथ अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना बेसिक यूपीएससी और एमबीए का डिफरेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ, और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग एनी एग्जाम, यूनिवर्सिटी और कोर्स, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, द लिंक for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries.